ओके सो हियर वी कम अगेन। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं वर्चुअल विल यूट्यूब चैनल। और मैं आप और हम जैसे काफी लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब भी एक फोन खरीदते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, यानी कि हमें उससे एक एक पैसे की वैल्यू चाहिए रहती है। बट आज से 4-5 सालों तक ऐसा रहा है कि रेडमी एक ऐसा ट्रस्टेबल ब्रांड रहा हमारे बीच, जिसकी वजह से हम उसे इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड भी काफी बार बना चुके हैं और वो कभी कभी खुद भी क्लेम करते हैं। बट आज अगर मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि आप रेडमी या फिर शाओमी के ऊपर भरोसा मत करना, तो उसके पीछे जरूर कुछ रीजंस होंगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, उन रीजंस को समझिए, फिर आप अपना डिसीजन अगला अपने फोन जो लेने वाले हैं उसके बारे में डिसाइड करेगा कि क्या वो एक रेडमी फोन होना चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। ओके सो जो पहला हमारा पॉइंट है वो एक्चुअली एक रिपोर्ट से निकल के आया है, लिथुआनियन नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर यानी कि NCSC इन शॉर्ट, उसने चाइनीज स्मार्टफोन्स को लेके उस पर एक टेस्ट किया था, एक रिसर्च किया थी। तो उसमें स्पेशली आज हम शाओमी की बात कर रहे हैं तो हम रेडमी के फोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेडमी के फोन में उन्होंने क्या पाया कि जो हमारा गूगल पे जितना भी डेटा होता है, लाइक हम क्या सर्च कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब में क्या सर्च हिस्ट्री रही, क्या वॉच हिस्ट्री रही, ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स पे सेव होती हैं और वहां से उनका ब्राउजर, जो हमारे शाओमी फोन का जो ब्राउजर होता है, वो गूगल एनालिटिक्स से डेटा लेता था और उसके बाद उस डेटा को चाइना में यानी कि सिंगापुर में, एक्चुअली प्रिसाइजली सिंगापुर में जहाँ पे शाओमी के सर्वर्स हैं, वहां पे स्टोर करता था। ठीक है, अब ये आप कहोगे डेटा लेता है यानी कि हमारा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए, लाइक लिटरली नहीं, डार्केस्ट ट्रुथ अभी आना बाकी है। और वो ये कि यार उस रिपोर्ट में आगे ये पाया गया कि जो शाओमी का फोन है वो चाइनीज सर्वर से एक फाइल डाउनलोड करता है कंटिन्यूअसली, लाइक फ्रीक्वेंटली काफी बार, और उन फाइल्स में ये पाया गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि फ्री तिब्बत हो गया, लॉन्ग लिव ताइवान इंडिपेंडेंस हो गया, ये 2 ऐसे प्रिसाइजली वर्ड्स थे। इन दोनों को ऐसे हाईलाइट कर दिया गया था कि कोई भी कंटेंट अगर इन सारे वर्ड्स के अराउंड रहा तो वो शो नहीं करेगा वहां पे उस कंट्री के अंदर। अब आप बोलोगे ये कौन सा बड़ा पॉइंट है, बट अगर आप इसको लॉन्ग पिक्चर में समझाऊं मैं आपको एक छोटे से पॉइंट के अंदर, तो चाइनीज गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कल को चाइनीज गवर्नमेंट चाहे कि आपको इंडिया में कोविड के बारे में नहीं जानना, वो कोविड को सिंपल ब्लॉक कर देगी उन शाओमी फोन के डेटाबेस के अंदर, और उससे क्या होगा कि जो कोविड के जो रिपोर्ट्स निकल के आएंगे वो आपके फोन में शो नहीं कर रही होंगी, एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा प्राइवेसी का एक ब्रीच हुआ था, इस वजह से मैं शाओमी को यहाँ पे काफी ज्यादा डिग्रेड करूंगा। ओके सो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है MIUI। देखिए, आपको इस फोन में, आप कोई भी रेडमी का फोन ले लो या फिर कोई भी शाओमी का फोन ले लो, तो उसमें आपको म्यूजिक एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, MIPay, ऐसे कुछ ब्लोटवेयर्स आपको मिल जाते हैं। कुछ ऐसे ब्लोटवेयर्स होते हैं जिनको आप हटा सकते हो, लाइक नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सारे मिलते हैं, बट ये 3 एप्लीकेशन जो मैंने बताया, इन तरह के जितने एप्लीकेशन होते हैं इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही साथ अगर आप, अब एक नया फीचर आ गया है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो इनका सिक्योरिटी एप्लीकेशन गूगल प्ले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को एक बार और चेक करता है और वहां पे एक बार और ऐड दिखाता है, लाइक लिटरली Xiaomi, इट इज बिजनेस टाइम, दिस इज बिजनेस। और भाई साहब इतने ज्यादा बग्स, अभी ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है Redmi Note 10 Pro से, और 2021 में काफी फेमस फोन था ये और काफी बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है Redmi का, और होना भी चाहिए क्योंकि वैल्यू फॉर मनी था, तभी सारे टेक यूट्यूबर्स ने भी इसको सजेस्ट किया था कि हाँ ये फोन लेना चाहिए। बट इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर कभी भी कॉल आता है तो ट्यून बजने लग जाती है, कॉल शो करने में स्क्रीन पे 3-4 सेकंड का लैग आता है। मैं कहीं भीड़ में हूँ, मैंने फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक कर दिया, अब वो वहां पे भी 3-4 सेकंड तक का, कभी कभी 5 सेकंड तक का लैग ले लेता है खुलने में। अब आप कहोगे कि स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी, तो नहीं है, रिबूट करके देख लो, करके देख लिया, क्या कर सकते हैं, बग जगह है, कभी कभी फोन ऐप चलते चलते क्रैश हो जा रहे हैं। तो ये अगर आप एक ऐसे 17-18 हज़ार के फोन से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, तो हाँ MIUI डेफिनेटली जितने भी UIs हैं सब में वर्स्ट UI है। तो अगर आप MI का फोन खरीदने जा रहे हो तो एक बार इस पॉइंट को जरूर अपने दिमाग में रखना। ओके सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, तो वो है एड्स। अब देखो शाओमी एक स्मार्टफोन कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी जितनी भी होती है वो पैसा कैसे कमाती है, हार्डवेयर की सेल से, सॉफ्टवेयर की सेल से। हार्डवेयर सिर्फ 5% तक का जो प्रॉफिट है पूरी कंपनी का वो हार्डवेयर सेल से आता है, ये बात खुद इनके सीईओ ने कही है। तो अब बात रह कहा गई कि पैसा कैसे कमाएंगे, सॉफ्टवेयर बच गया। सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, ये आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन देंगे कंपनी के जो आप यूज करोगे तो उससे प्रॉफिट आएगा,
या तो आपको एड्स दिखाए जाएंगे। अब देखिए ये क्या गलत है पूरी तरीके से तो नहीं, फोन के बजट को कम करने के लिए कभी कभी आपको एड्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो एक वैल्यू फॉर मनी फोन जो मिलना चाहिए जिस बजट के अंदर, कभी कभी 10,000 के अंदर भी हम के फोन जो आते हैं उसमें इनको एड्स दिखाने पड़ते हैं ताकि कंपनी भी चलती रहे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक ये ठीक है, बट हर जगह नहीं। जैसे कि मैंने अभी वो सिक्योरिटी वाली बात कही, वहां पे वो हम उसे ऑफ कर सकते हैं, बट जो Xiaomi की मेजोरिटी ऑडियंस है वो टीयर 3 सिटीज या फिर गांव से बिलोंग करती। और इसी के साथ अगर आप कभी फोन यूज करते हो तो वहां पे एक स्टेप आता है, आप MIUI अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो, और वो भी नहीं पता काफी लोग ऐसे बना भी लेते हैं, उसमें क्लाउड की कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, वो क्लाउड का जो डेटा है वो चाइना जा रहा है, इंडिया जा रहा है, कहां जा रहा है कुछ पता नहीं। तो यार ये जो थे ना, ये काफी मेजर ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए कभी भी एक Xiaomi फोन लेने से पहले। और कंक्लूजन की अगर बात करूं मैं कि क्या आपको कभी भी Xiaomi फोन नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो अगर आपका एक बजट है और आपको पता है कि कुछ चीजें कैसे ब्लॉक की जा सकती है और अपने प्राइवेसी को कैसे बचाया जा सकता है, तो आप जरूर से फोन ले सकते हो अगर आपके बजट में आता है और अच्छा बजट है, ठीक है। क्योंकि कम बजट में यार आप प्राइवेसी भी अपना मेंटेन कर लो, एप्पल वाला सोचो कि आपको प्राइवेसी भी मिल जाए और फिर आपको वैल्यू फॉर मनी भी मिल जाए, अच्छा कैमरा मिल जाए, अच्छा प्रोसेसर मिल जाए, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं होता। तो कंपनी भी यहाँ पे हमेशा गलत नहीं होती है, हर कंपनी के साथ में कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होता है, बट Xiaomi का नाम इसलिए ज्यादा उछल के आया क्योंकि इनके साथ में ये जो चीजें हुई ये सब पब्लिक काफी आ गई और काफी ज्यादा बार मिल गई इस वजह से। तो आपको अगर कभी भी नेक्स्ट फोन लेना है Xiaomi का लेना है तो ये 3 पॉइंट को एक बार जरूर कंसिडर करिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, दिस इज संकेत साइनिंग ऑफ।